ये चलते हैं हरिद्वार के लक्सर, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी लाइव संबोधन कर रहे हैं, जनसभा में मौजूद हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। डबल इंजन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में एक विकसित उत्तराखंड बनाने के लिए, आत्मनिर्भर राज्य बनाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने बहुत सारे ऐतिहासिक फैसले लिए। देश के अंदर सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। हमने समान नागरिक संहिता प्रदेश के अंदर लागू कर दी। हमारे गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों को अब नौकरी के लिए नकल माफियाओं के हाथ का खिलौना नहीं बनना पड़ेगा। नकल माफिया उनके साथ धोखा नहीं कर पाएंगे, उनके साथ धोखाधड़ी न करके उनकी योग्यता और क्षमता के साथ खिलवाड़ नहीं कर पाएंगे। भाइयों बहनों, हम पूरे देश का सबसे सख्त नकल का कानून उत्तराखंड के अंदर लेकर आए हैं। उसका परिणाम हुआ है कि आज नकल माफियाओं की कमर पूरी तरह टूट चुकी है। 100 से ज्यादा नकल माफिया जेलों में बंद है और हजारों हजार की भर्तियां पिछले 2 सालों में हुई है। सारी भर्तियां, किसी भी भर्ती में कोई नकल नहीं हुई है। भाइयों बहनों, कोई पर्चा लीक नहीं हुआ है, कोई पेन ड्राइव से नकल नहीं हुई है। जो कई सालों से ये नकल का अपराध होता था, वो सारा का सारा आज बंद हो गया है। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ हमने दंगा रोकने का कानून बनाया है। अतिक्रमण हटाने का हमने अभियान शुरू किया हुआ है। धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया भाइयों बहनों, और महिलाओं को 30% का आरक्षण यहाँ की सभी सरकारी नौकरियों में हमने सुनिश्चित किया है। भाइयों बहनों, चाहे हरिद्वार हो या लक्सर क्षेत्र हो, उसके विकास के प्रति हम पूरी तरह से संकल्पबद्ध हैं। और यहाँ पर सड़क, बिजली, पानी, अन्य सुविधाएं यहाँ के लोगों को उपलब्ध हो। हमने जहां सुल्तानपुर को नगर पंचायत घोषित किया, वहीं पेयजल की जो समस्या है उसके लिए संजय गुप्ता जी मेरे पास आए थे और हमने तत्काल 11 करोड़ रुपए की धनराशि इसके लिए स्वीकृत करी थी। भाई बहनों, यहाँ पाइपलाइनें बिछाई जा रही है। यहाँ एक और जहां हमने अकोड़ा खुर्द से दरगाहपुर गांव को जोड़ने के लिए बाढ़ गंगा नदी पर पुल का निर्माण कराया है, वहीं देबू नदी पर भी पुल का निर्माण कराया गया है। भाइयों बहनों, सुल्तानपुर में जो पतलेश्वर महादेव मंदिर से कंकर खाता तक जो सड़क की खस्ता हालत थी, उसका निर्माण भी कराया गया है। भाइयों बहनों, लक्सर को सीधे दिल्ली देहरादून हाईवे से जोड़ने के लिए शाहपुर भोगपुर से रायसी तक स्टेट हाईवे का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। ऐसे अनेक काम, अभी जब यहां संजय जी कह रहे थे बाढ़ सुरक्षा के तटबंध बनाए जाने, बाढ़ सुरक्षा के लिए कार्य करवाए जाने, मैं स्वयं लक्सर में जब मैंने देखा हमारे इस क्षेत्र के रहने वाले किसान भाइयों के ऊपर आपदा आई, इस क्षेत्रवासियों के ऊपर आपदा आई, जैसे ही आपदा आई शायद मेरे ख्याल से अन्य लोगों को जानकारी बाद में हुई होगी, आपका एक भाई, आपका एक बेटा आपके बीच में सबसे पहले मैं यहां पहुंचा था। भाई बहनों, हम पूरी तरह से आपके लिए समर्पित हैं। हमारी जो भी शक्ति है, सामर्थ्य है, जो भी ताकत आप लोगों ने हमें दे रखी है, वो ताकत सारी की सारी अगर किसी के काम आएगी तो आप सब लोगों के लिए आएगी, जनता जनार्दन के लिए आएगी। भाइयों बहनों, अब चुनाव है। पहले की सरकारों ने जिस तरह हर वर्ग, मैं किसी एक वर्ग की बात नहीं करता हूं, मैं वोटों की बात भी नहीं करता हूं, लोगों ने हमेशा एक वोट बैंक की तरह प्रयोग किया है। ये जग जाहिर है, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। इन लोगों ने देश का नमक खाकर देश को छलनी करने की कोशिश की है। भाइयों बहनों, विपक्षी दलों ने अब एकजुट होकर गठबंधन तो बना लिया है, लेकिन यह गठबंधन भी विपक्षियों की तरह जैसे पहले करते रहे हैं उसी तरह का ठगबंधन निकला है। और ठगबंधन के ये नेता अब एक के बाद एक घोटालों में फंसकर जेल की सलाखों के पीछे पहुंच रहे हैं। अभी संजय गुप्ता जी बता रहे थे, देखिए आप जेल में कोई शराब घोटाले में, मुख्यमंत्री जेल में, अरविंद केजरीवाल जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है। भाइयों बहनों, या तो कोई जेल में है या कोई जेल में है। सोनिया तो लक्सर